धरती के अंदर चीर के दिखा देते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार अमृतसर में हरमिंदर साहब जाने का मौका मिला। खूबसूरत नजारा था, मैं घंटों वहां बैठे रहा। इतना खूबसूरत नजारा था, मैं घंटों वहां बैठे रहा। है जय श्री राम का। राम भगवान ये तो नहीं चाहते थे अपना जो चढ़ावा चढ़ा के आते हैं आखिर किसके लिए में है। हम सब ने वो फोटो देखी है बचपन में, जहां पे श्री राम भगवान की जो तस्वीर है वो हनुमान जी के छाती के अंदर चीर के दिखा देते हैं कि अपनी जिंदगी में पहली बार अमृतसर में हरमिंदर साहब जाने का मौका मिला। मैं जानना चाहता था उस जगह को जहां पे इतने सारे लोग हर रोज आते हैं। हमारे मुल्क में ताजमहल से भी ज्यादा लोग हरमिंदर साहब जाते हैं। दोस्तों, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां सभी बराबर थे। किसी ने मेरा मजहब नहीं पूछा, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं गोरा हूं, काला हूं, कहां से आया हूं, इस बात का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वहां सभी बराबर हैं। आप लंगर में जाएं, आप 24 घंटे कभी भी बैठ के वहां खाना खा सकते हैं। वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या फिर आप जाएं तो आप जाके वहां पे उनके डोनेशन बॉक्स में कुछ डोनेशन डाल के जाएं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता। कितना खूबसूरत नजारा था, मैं घंटों वहां बैठे रहा और मैं यही सोचता रहा कि ये कितनी पावन भूमि है कि जहां पे इंसान की कदर है, यहां आकर इंसान अपने आप को, अपनी इंसानियत को जिंदा रखता है। शायद ही कोई शख्स होगा अमृतसर शहर में जो रात को भूखा सोता हो। सिख धर्म को आए हुए तो ज्यादा साल नहीं हुए, यही 400 साल हुए हैं। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है, हमें हरमिंदर साहब से कुछ सीखना चाहिए। हम सभी को सीखना चाहिए कि अगर वहां पे 24 घंटे लंगर चल सकता है तो ये मंदिर जहां पे लोग करोड़ों का दान देके जाते हैं, यहां पे 24 घंटे लंगर क्यों नहीं चलते। हम नारा लगाते हैं जय श्री राम का, राम भगवान ये तो नहीं चाहते थे, हनुमान जी ये तो नहीं चाहते थे कि कोई उनके दर पर आए और पैसे दे के उनके जल्दी दर्शन कर ले। दोस्तों, ये धर्म के नाम पे जो लोग अपनी दुकानें खोल खोल के बैठे हैं, हमें इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी होगी, इनसे सवाल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इस मुल्क में कितनी गरीबी है ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है, उसके बावजूद हमारे मंदिरों के अंदर खजाने भरे पड़े हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा ये हाल रहा तो, पेट काट काट के अपना और इन मंदिरों में हम जाके अपना अपना जो चढ़ावा चढ़ा के आते हैं आखिर किसके लिए। अगर वो पैसा वापस घूम फिर के उन गरीबों तक पहुंचे तब तो फायदा है, वरना क्या फायदा है। आप हरमिंदर साहब की व्यवस्था देखें, वहां लाखों लोग दिन में खाना खाते हैं, 24 घंटे वहां लंगर चलता है। वहां कोई दान दे तो उसे पता होता है कि उसके दान का दिया हुआ पैसा लोगों तक पहुंचेगा। सालासर में वैसी व्यवस्था क्यों नहीं है। वक्त था मेरे पास तो मैंने सोचा अपनी मां और नानी को हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम भी लेके जाऊं, पर क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने जो हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि वो लाइन में घंटों तक खड़े रहें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम वहां चल पड़ेंगे और हम वीआईपी दर्शन कर लेंगे। तो मैंने पूछा कि ये वीआईपी दर्शन क्या है। इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि आप वहां जाएं और कुछ पैसे दें और एक आपको आपके लिए एक अलग से लाइन खुल जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी वहां से दर्शन करके और बाहर निकल सकते हैं। मैं दंग रह गया, मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा धर्म है जिसमें अपने भगवान को मिलने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। भगवान के लिए तो सब एक बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमी धर्म में नहीं है, धर्म के ठेकेदारों में है। हम सब ने वो फोटो देखी है बचपन में, जहां पे श्री राम भगवान की जो तस्वीर है वो हनुमान जी के छाती के अंदर चीर के दिखा देते हैं कि राम मेरे मन में बसते हैं। तो मैंने भी अपने आप को समझाया कि अरविंद, राम हम सबके मन में बसते हैं, इन लोगों की मुझे जरूरत नहीं है
जो लोग धर्म के नाम पे और भगवान का सौदा करते हों। और मैंने फैसला किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि भगवान के दर्शन के लिए कुछ लोग पैसे देके एक वीआईपी लाइन में चले जाएं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, भगवान के घर में कोई वीआईपी हो सकता है क्या? वहां तो सभी बराबर हैं। आप गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, मैंने कोई वीआईपी लाइन नहीं देखी वहां पे। फिर हमारे ही धर्म में ये वीआईपी लाइन क्यों होती है? अंदर जो पुजारी हैं वो खा खा के मोटे हो गए हैं, लेकिन बाहर बैठा सड़क पे जो इंसान भूखा है उसको एक रोटी भी नहीं मिलती। पांव के अंदर आपका जो है प्रसाद वो वहां पे फैला हुआ है चारों तरफ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जाओ भाई बाहर जाके कोई जो जो इंसान बाहर बैठे हैं भूखे पेट बैठे हैं उनको भी कोई खाना दे दो।